एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। ये रेसिपी है ओट्स इडली की, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओट्स लिए हैं क्योंकि ओट्स इडली बना रहे हैं, तो एक कटोरी ओट्स लिए हैं और इनको अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना इन्हें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो ये अच्छी तरह पिस नहीं पाएंगे। इनको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद हमने इनको ग्राइंडर में डाल करके पीस लेना है। तो जल्दी से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे की रेसिपी देखेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गया है, अब हम इसे ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद हम कुछ और इन्ग्रीडियंट्स भी देखेंगे जो कि हमें इस रेसिपी में चाहिए होंगे। तो जल्दी से पीस लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से बारीक से पिस चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो ओट्स ही हैं जिनको अभी हमने ग्राइंड किया, एक कप लिए हैं, आधा कप सूजी ली है, एक गाजर कद्दूकस करके ली है, एक छोटा प्याज बारीक अच्छी तरह काट लिया है और शिमला मिर्च ली है। आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ये वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक खुले बर्तन में, कोई भी मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने ये डाल दिया है सारी वेजिटेबल्स। अब हमने ओट्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही हमने सूजी को भी इसमें डाल देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने दही ली है, दही बहुत ज़रूरी है, आधा कप मैंने दही ली है, आधा चम्मच ही मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ज़रूरत के हिसाब से डाल देना है। तो दही अच्छे से मिक्स हो गई है, अब मैंने एक कटोरी पानी इसमें डाला है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। तो एक कटोरी पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर रखना है और सूजी ने भी फूल जाना है। तो करीब दो कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे कर देते हैं साइड पर, तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें डालूंगी एक चम्मच राई दाना और साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी, जैसे कि मैंने इसमें डाला था कड़ी पत्ता। तो 5 से 7 समझें कि इसमें डाल दें आप कड़ी पत्ता। तो बस इसको चटक लिया है अच्छे से, जब ये चटक जाए तो हमने इस मिक्सर में इसे रख देना है। अब आप देख सकते हैं करीब 1.5 घंटा मैंने इसे छोड़ा था और उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है इस मिक्सर की। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं और जल्दी से हम इसमें इनो भी ऐड करेंगे जिससे कि हमारी जो इडलियाँ हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी। तो इतने मिक्सर में करीब मैंने 1/2 टीस्पून डाला था इनो और इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे और बस इसे ये बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से झाग हो चुके हैं। अब जल्दी जल्दी से मैंने ट्रे ग्रीस कर ली थी इडली की और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर डाल देंगे। साइड ही हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस जल्दी जल्दी से इडली की ट्रे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको स्टीम कर लेंगे। ओट्स इडली नॉर्मल इडली से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैंने इसे करीब 10 मिनट स्टीम किया था। उसके बाद इसे करीब 5-7 मिनट ठंडा होने दिया, फिर नाइफ से हमने इसको अच्छे से निकाल लिया था और सर्व किया है मैंने इसे मज़ेदार सी टमाटर की चटनी के साथ, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी है। तो ये हेल्दी सी मज़ेदार सी ओट्स इडली उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।